यूपी में भड़की हिंसा के चलते कई जिलों में स्कूल बंद हैं। हिंसा के बाद पश्चिमी यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। मेरठ में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ बोर्ड और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी, बाकी सभी नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इसके अलावा आगरा, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा में स्कूल बंद हैं। आगरा में बार और शराब की दुकानें आज बंद कर दी गई। यूपी में भड़की हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। हिंसा में अब तक 448 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मेरठ में 200 और आगरा में 100 उपद्रवी हिरासत में है। मुजफ्फरनगर में 125 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। हिंसक घटनाओं पर गृह मंत्रालय ने मुस्तैदी के निर्देश भी दिए हैं। दलित शख्स ने महाराष्ट्र के एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अधिकारी काशीनाथ महाजन ने जूनियर अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दरअसल पहले हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं दिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव किया और कहा कि मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारी ने कार्रवाई की इजाजत नहीं दी। जब यह आरोप लगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं, डीएसपी लेवल का अधिकारी ही पहले जांच करेगा और उसके बाद ही मामला दर्ज होगा। पहले यह सूचना थी कि ये जो है प्रोटेस्ट होंगे इस पे, लेकिन शुरुआत में जब ये लोग रोड पे आए तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी जुड़ गए। इन्होंने प्रोटेस्ट जो है पीसफुल तरीके से न करके तोड़फोड़, आगजनी आदि का प्रयास किया। मुख्य तौर पर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4 जिले पर की हिंसा हुई है और हिंसा के अलावा कुछ और जनपदों में जो है उपद्रव किया गया है, जिसमें आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। हम लोगों ने इन घटनाओं में 450 के लगभग व्यक्तियों को डिटेन किया, हिरासत में लिया है। जहां भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसमें डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी।